हेलो गाइस, हर हर महाकाल, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। मार्क सिक्स ने प्रदोष काल का व्रत कब है और त्रयोदशी के दिन ये व्रत पूजा विधि कैसे मनाई जाती है, प्रदोष काल के अंदर शिव जी और पार्वती की आराधना कैसे की जाती है, प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त कब है, इसकी कथा के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आप इस कथा को सुनिए और प्रदोष काल व्रत भी कीजिए। इस व्रत करने से हमें क्या फल की प्राप्ति मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। आप सभी को मार्गशीर्ष प्रदोष काल की हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में, त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान शिव माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, और जिस भी कामना से आप ये व्रत धारण कर रहे हैं या बिना व्रत के भी पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं, आपकी वो कामना पूर्ण हो इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपसे आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 नवंबर 2024 को, यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 6:23 पर, और समाप्त हो रही है 29 नवंबर को सुबह 8:39 पर। तो शाम के समय प्रदोष काल में जब त्रयोदशी तिथि व्याप्त होती है उसी दिन हम व्रत धारण करते हैं प्रदोष का, और इस बार तो 28 नवंबर 2024 को यानी कि गुरुवार के दिन सूर्योदय काल में भी आपको त्रयोदशी की तिथि प्राप्त हो रही है। तो प्रदोष का व्रत धारण करेंगे 28 नवंबर 2024 गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन जब प्रदोष का व्रत आता है तो इसे कहा जाता है गुरु प्रदोष, और गुरु प्रदोष का व्रत धारण करने से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत धारण करके और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से नवग्रहों के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही गुरु प्रदोष का व्रत धारण करने से जन्म कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, बृहस्पति मजबूत होता है, और जब बृहस्पति मजबूत होता है तो हर प्रकार की परेशानियां आपके जीवन से समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि गुरु धन के भी कारक हैं, अच्छी संतान के भी कारक हैं, शिक्षा के भी कारक हैं और इसके साथ ही सुखद दाम्पत्य के भी कारक हैं। इसलिए गुरु प्रदोष बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो भी भगवान शिव माता पार्वती और भगवान बृहस्पति देव भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर कीजिए। इसके लिए प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और इसके बाद भगवान सूर्य को जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अर्घ्य दीजिए। अच्छा, स्नान करते वक्त भी जल में थोड़ी हल्दी डालकर स्नान करने से बृहस्पति मजबूत होता है, और किसी भी प्रकार की बृहस्पति से संबंधित अगर परेशानी आपके जीवन में है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर पहले नित्य की जो पूजा है, प्रतिदिन जो आप पूजा करते हैं, पूजा कर लीजिए। फिर अपने व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं, और जिस भी कामना से आप व्रत कर रहे हैं अपनी कामना भी भगवान शिव से, माता पार्वती से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो भी कामना हो उसे पूर्ण करें, आपका व्रत, आपकी पूजा स्वीकार करें। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा की विधि आप सभी जानते हैं, पहले जल से अभिषेक कीजिए, फिर पंचामृत से अभिषेक कीजिए। आज आप चाहें तो अष्टगंध मिलाकर जल में और उससे भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। शिव माता पार्वती, भगवान गणपति, भगवान कार्तिकेय, भगवान नंदी देवता और नाग देवता, सबकी विधि विधान से पूजा कीजिए। घर के आसपास अगर केले का वृक्ष है तो वहां जल दे दीजिए, हल्दी मिलाकर थोड़ा सा जल और केले की जड़ में अर्पित कीजिए। केले की जड़ के पास शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए। फिर पूरे दिन आप व्रत धारण करेंगे। व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, मतलब कोई सा भी फल इत्यादि ले सकते हैं, और अगर आप निर्जल व्रत करते हैं तब तो आपको जल भी ग्रहण नहीं करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फलाहार और जलाहार या फिर निर्जल, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भक्ति व्रत धारण करते हैं। प्रदोष के व्रत में शाम के समय प्रदोष कालीन पूजा का बहुत महत्व होता है, तो इस समय में आपको विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर शिवलिंग है तो उसका अभिषेक आप घर में भी कर सकते हैं, नहीं तो आसपास कोई मंदिर है तो वहां भी जाकर भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं
और मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। चाहे तो घर में भी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। शाम की पूजा करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। कुछ भी मीठा भोजन करके जो भी आप भगवान को भोग लगाते हैं उसे ही प्रसाद स्वरूप में खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। भगवान को भोग क्या अर्पित करें, देखिए आप खीर का भोग भी लगा सकते हैं, सफेद मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं, आटे का चूरमा बनाकर उसका भोग भी लगा सकते हैं, हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। जैसी भी आपके पास उपलब्धता हो उसके अनुसार भगवान शिव की पूजा, आराधना, भोग इत्यादि आप कर सकते हैं। अच्छा, एक उपाय आपको जरूर करना है, अगर आपके पास बिल्व पत्र है तो 11 बिल्व पत्र लीजिए। अच्छा, 11 ना मिलें तो जितने भी आपके पास उपलब्ध हो सब पर आपको अष्टगंध से या फिर पीले चंदन से राम 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 लिखना है, मतलब तीनों पत्तों पर राम लिख दीजिए और फिर रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए, नमामि शमीशान इसका पाठ करते हुए भगवान शिव की आराधना कीजिए। एक एक बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। कोई भी आपकी कामना हो अपनी कामना कहिए तो निश्चित ही कुछ ही समय में आपकी कामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। अच्छा, भगवान भोलेनाथ की पूजा की सामग्री आप सभी जानते हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प, सफेद चंदन, भस्म इत्यादि, ये सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं। इनमें से जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो उसके अनुसार आप पूजा आराधना कर सकते हैं। अब बात करें प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है 28 नवंबर 2024 को गुरुवार के दिन शाम को 5:24 से रात्रि 8:06 तक। इसी शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की आप विशेष रूप से पूजा आराधना कर सकते हैं। अच्छा, व्रत करते हैं तो भी आपको पूजा करना है। जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं शुद्ध और सात्विक भोजन लीजिए और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा जरूर कीजिए। मान लीजिए आप लहसुन प्याज भी खाते हैं तो भी आप शाम को स्नान करके फिर पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो पूजा जरूर करना है, स्थिति चाहे जो भी हो पूजा जरूर कीजिए। अच्छा, आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत की कथा, और अगर आपने अमावस्या की वीडियो नहीं देखी है तो अमावस्या की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। इसके अलावा उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर अपलोड होने वाली मार्क्सिस्ट मास की प्रतिदिन की कथा जरूर सुनते होंगे। अब तक नहीं सुन पा रहे हैं तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। आप सभी को मार्क्सिस्ट प्रदोष काल की हार्दिक शुभकामनाएं।